जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में खड़े सभी जिले की तहसीलों से आए कोटवार हैं, जो विगत वर्षों से अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन प्रदर्शन के अलावा हड़ताल तक कर चुके हैं, पर सरकार है कि इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। विस्तृत जानकारी देते हुए कोटवार संघ के अध्यक्ष नरेश दाहिया ने बताया कि हम सभी जिले की सभी तहसीलों से आए हैं। हमारी प्रमुख समस्या कोटवारों के धान उपार्जन विक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा कोटवारों की सेवा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा की है। हम सभी कोटवार जबलपुर जिले के तहसील पाटन, शहपुरा, पनागर, बरेला, सिहोरा, मझौली, बरगी, कुंडम के अंतर्गत कार्यरत हैं। हमें शासन से प्राप्त सेवा भूमि जिस पर हमने धान की फसल लगाई है, इस धान की फसल उपार्जन विक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त होने वाली है। कोटवारों की सेवा भूमि पर कंप्यूटर अभिलेख मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, जबकि यह भूमि कोटवारों की सेवा भूमि है। हम कोटवार 1000 रुपये के मासिक अल्य मानदेय पर दिन रात सभी विभागों के कार्य करते हैं और इसलिए कि सेवा भूमि से परिवार का जीवन यापन करते हैं। जब उपार्जन विक्रय की बात होती है तो मध्य प्रदेश शासन की भूमि का हवाला देकर रजिस्ट्रेशन नहीं होते। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछले वर्ष 2023 में बहुत कुछ घोषणाएं की थी, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि जल्दी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सभी कोटवार उग्र आंदोलन करने के लिए काम बंद हड़ताल भी करने पर बाध्य हो जाएंगे और जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। पाँच पाँच एकड़ जमीन दी है, क्योंकि तनख्वाह तो इन्हें 1000 रुपये मिलती है, जिससे इनका भरण पोषण हो नहीं सकता, तो उसका पंजीयन नहीं हो रहा। जो इनने फसल तो मंगा ली बेचारों ने लागत लगा के, अब उसका सही दाम कहाँ बेचने जाएंगे, तो ये बेचारे परेशान हैं कि इनका पूरा खर्चा उसी से चलता है। अब ये बेचारे अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, तो वही कलेक्टर साहब से हम लोगों ने आके कहा है कि भैया इनका पंजीयन हो ताकि इनकी फसल बिके और इन्हें उचित दाम मिले ताकि इनका भरण पोषण हो सके। जिले के सभी तहसीलों से हमारे कोटवार यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं। सिर्फ घोषणाएं होती हैं कि हमारे कोटवार को 1 लाख रुपए रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे, उसके बारसानों की नियुक्ति की जाएगी। आज उनके बारसानों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने 23 सितंबर 2023 को मंच से कहा था कि हमारे कोटवार का परिजन, उसका पत्नी, उसके पुत्र पुत्रियां, कोई भी उसका वारसान होगा उसको नौकरी दी जाएगी। इसमें एक बड़ी विडम्बना यह है कि उसको ग्राम पंचायत के साथ प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, कोटवार ग्राम पंचायत में कार्य करता है, लेकिन जिसका घर गिराया है यदि वही सरपंच बन गया तो क्या उसको कोटवार के परिवार को प्रस्ताव देगा? तो आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मेरी बात को माननीय शासन तक पहुंचाएं। आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार से हम लोग सफल हो सकते हैं।